सो गाइस, अमेज़ॉन से मैंने ये मंगवाया है एक इलेक्ट्रिक इरेजर जो कि फाइन आर्ट में यूज़ होता है। तो चलिए इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। One eternity later. So guys, इस इलेक्ट्रिक इरेजर के साथ हमको मिला है ये थैंक यू कार्ड जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसे अलग करके हम अपने इलेक्ट्रिक इरेजर को फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। सो गाइस, ये जो पेन है मुझे अमेज़ॉन में 400 रुपीज़ का मिला है जो कि मुझे वर्दी तो लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है और इसे हम चलाकर भी देखते हैं कि किस तरह से ऑपरेट होता है। बट ये चल क्यों नहीं रहा है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो इन लोगों ने क्या किया, ये पेन तो दे दिया बस इसमें बैटरी नहीं दिया है। यार इतनी महंगी पेन लेने का क्या फ़ायदा हुआ जिसमें कि बैटरी ही ना मिले। सो अब क्या किया जाए, फ़िलहाल तो मेरे पास बैटरी भी नहीं है। सो कुछ आइडिया तो लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना इंडियन जुगाड़ लगाते हैं। चलो चुपके से रिमोट की बैटरी निकाल लेते हैं। अरे यार ये खुल क्यों नहीं रहा है अब। चलो खुल गया, अब हम बैटरी को निकाल लेते हैं। ये देखो अब बैटरी भी नहीं निकलेगी। चलो बैटरी तो निकल गई। अब इस बैटरी को हमें इस पेन के अंदर इंस्टॉल करना है। बट इसे इंस्टॉल कैसे किया जाए, हैव यू एनी आइडिया? तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। सो ये जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल रहता है इसे हमें बैटरी के अंदर साइड पर इंस्टॉल करना रहता है। तो चलो इसे मैं इंस्टॉल कर देती हूँ और ये जो दूसरी बैटरी है इसे भी मैं इंस्टॉल कर देती हूँ। तो गाइस, हमारे इस बैटरी ऑपरेटेड इरेजर पेन का सेटअप तो हो चुका है। तो चलो इसे चलाकर देखते हैं। बाय द वे ये काफ़ी स्मूथली चल रहा है बट अभी हमें इसे पेपर में भी यूज़ करना है। सो गाइस, इरेजर को यूज़ करने से पहले क्यों ना हम इन रिफिल्स को भी देख लिया जाए जो हमें एक्स्ट्रा मिली है। सो इसमें मिले हैं हमें दो होल्डर, ये है 2.3 mm का रिफिल और ये है 5 mm की रिफिल। सो बेसिकली जो 5 mm की रिफ़िल है ये हमें मिले हैं 12 पीसेस और ये जो 2.3 mm की रिफ़िल है ये हमें मिली है 10 पीसेस। सो गाइस, इस सेट में हमें मिले हैं ये दो होल्डर और इन दो होल्डर को भी हम अटैच करके देख लेते हैं पेन में कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। सो गाइस, अभी ना मैं इस मेटल के होल्डर को बाहर निकालूंगी और इस होल्डर की जगह मैं यूज़ करूँगी ये प्लास्टिक का होल्डर। सो इस प्लास्टिक के होल्डर में मैं ये 2.3 mm का रबर को लगाऊंगी और इस रबर को फिर मैं अपनी इस पेन में अटैच कर दूंगी। सो गाइस, इसमें मैंने 2.3 mm के रबर को लगा तो लिया है और ये अच्छे से ऑपरेट भी कर रहा है। चलो इसे अभी अपने आर्टवर्क में यूज़ करते हैं। सो ये मैंने बनाया है एक चारकोल आर्ट और इसमें मैं इस रबर को यूज़ करने वाली हूँ। सो गाइज, ये जो इलेक्ट्रिक इरेजर है ये चारकोल में तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और वेल फिनिशिंग भी आ रही है। बट इसे हमें और भी तो मीडियम्स में यूज़ करके देखना पड़ेगा ना, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चार अलग मीडियम्स का यूज़ करूँगी जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है ये चारकोल पेंसिल और इसके बाद मैं लूँगी एक ग्रेफाइट पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल के बाद मैं लूँगी एक कलर्ड पेंसिल और कलर्ड पेंसिल के बाद मैं चारकोल डस्ट को भी ट्राई करके देखूँगी कि इलेक्ट्रिक इरेजर इन चारों मीडियम्स पे अच्छे से वर्क करता है या नहीं। गाइस, सबसे पहले हम इसे चारकोल पेंसिल में चलाकर देखेंगे बट इसमें ये चल नहीं रहा है अच्छे से और मुझे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है चारकोल पेंसिल में इस इरेजर को चलाने में। सो ये चारकोल पेंसिल में तो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। अब देखते हैं कि ये ग्रेफाइट पेंसिल में वर्क करता है या नहीं। सो गाइस, ग्रेफाइट पेंसिल में तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब मैं इसे कलर्ड पेंसिल में भी चलाकर देखूंगी कि वर्क करता है या नहीं। बट ये कलर्ड पेंसिल के डस्ट में भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है और वहीं ये पेन में चारकोल पाउडर में ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू इलेक्ट्रिक इरेजर के लिए। बाय द वे, मैंने लाइफ में पहली बार किसी भी इलेक्ट्रिक इरेजर को यूज़ किया, इससे पहले मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया था। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।